उन्होंने अपने जीवन काल में 4 यात्राएं करी और पूरी दुनिया का भ्रमण करा मर्दाना जी के साथ। अपनी तीसरी यात्रा में वह यहाँ आए थे तो उन्हें आके देखा कि वह पत्थर जो था वो मोम का बन गया और गुरु नानक देव जी के अंदर वो धस गया। सतनाम श्री वाहेगुरु। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निशित सहगल एंड यू आर वाचिंग बीइंग सहगल, जो घूमता है, खाता है और खूबसूरत से नजारे दिखाता है। दोस्तों, हम आए हुए हैं अभी लद्दाख रोड ट्रिप पे। कुछ वीडियोस पीछे रिलीज करी हैं, अभी कौन सी वीडियोस है मुझे याद नहीं है अभी। और अभी प्रेजेंटली हम हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब। ये एक हिस्टोरिक गुरुद्वारा है श्री गुरु नानक देव जी का। यहाँ की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, वो हम अंदर जाके देखते हैं। पहले मत्था टेकते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। चलो चलते हैं साथ, आइए। सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु नानक देव जी जो हमारे फर्स्ट गुरु थे, उन्होंने अपने जीवन काल में 4 यात्राएं करी मर्दाना जी के साथ, लोगों की प्रॉब्लम समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, निवारण करने के लिए। अपनी तीसरी यात्रा में जब वह यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक राक्षस रहता है ऊपर पहाड़ी पे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। वह आने जाने वाले लोगों को तंग करता है, खा जाता है, परेशान करता है, लोग बहुत परेशान थे। तो वह यहाँ स्थान पे समाधि लगा के बैठ गए। पीछे से जब राक्षस ने देखा कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, उन्होंने विशाल पर्वत जैसा, पहाड़ जैसा पत्थर उठाया और उठा के फेंका। तो ऊपर से तो उन्हें लगा कि पत्थर लग गया अपने निशाने पे और वो जो इंसान बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हें आके देखा कि वह पत्थर जो था वो मोम का बन गया और गुरु नानक देव जी के अंदर वो धस गया, तो जो आपने निशान भी देखा। तो राक्षस ने जब यह देखा तो उसने पत्थर पे पैर मारा, उस पैरों के भी निशान हैं उस पत्थर पे। तो
उसने अपनी गलती महसूस करी, वो करा कि हाँ जी मैंने गलत करा और अपने उसको चाड़ना हुआ, तो उसने गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी, उनके चरणों पे गिर गया। तो उन्हें को गुरु नानक देव जी ने माफ़ किया और बोला कि आगे का अपना जीवन मानव कल्याण के लिए गुजारो। और उसके बाद गुरु नानक देव जी यहाँ से होते हुए कश्मीर चले गए और आगे करतारपुर साहब, जहाँ से उन्होंने अपनी चौथी यात्रा स्टार्ट करी और वहीं पर ही चौथी यात्रा का अंत करा। और अपने 20 साल वह करतारपुर साहब में ही रहे, खेती करी उन्होंने वहाँ पे, जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है। और कुछ समय पहले ही जहाँ का कॉरिडोर रास्ता खोल दिया गया है कि जहाँ से इंडियन लोग भी वहाँ के आप विज़िट कर सकते हैं, कि करतारपुर कॉरिडोर, तो वहाँ का भी हम जल्दी प्लान करेंगे, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे आपको। अभी हम यहाँ से चलते हैं, ले यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो आगे की वीडियोस भी जल्दी आएंगी। सतनाम श्री वाहेगुरु। तो अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लेह की लोकल मार्केट। वॉर मेमोरियल में थे तो वहाँ पे ऐसा घने बादल, ऐसी जगह, इतनी ठंड, और अभी 6 बज रहे हैं और ऐसे तोपने के लिए हो ये देखो, पता मतलब समझ नहीं आ रहा कि जैकेट पहनूं कि उतारूं कि क्या करूं।